विभाग आयुक्त के सामने, क्या आपकी प्रशासन से मांगनी है और क्यों आपको ये नौबत आई कि आपको यहाँ पर बैठना पड़ा? इसके पहले प्राथमिक आरोग्य केंद्र दौलताबाद और प्राथमिक आरोग्य केंद्र पिंपलवाड़ी, ये दोनों वैद्यकीय अधिकारी के खिलाफ कर्मचारी को बिलावजे तकलीफ देते, मानसिक आर्थिक हानि करते हैं। इस वजह से हमने प्रशासन को निवेदन दिया कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग की थी। दौलताबाद पिंपलवाड़ी के वैद्यकीय अधिकारी महिला कर्मचारी का आर्थिक, मानसिक और प्रशासकीय शोषण करते हैं। इसलिए गए साल हमने जिला परिषद के सामने उपोषण करे थे और डॉक्टर रंधे को दौलताबाद यहाँ काम के लिए प्रशासन ने भेजा था। उसके बाद में गए दो महीने से बजाज कोविड टेस्टिंग सेंटर, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा वो भ्रष्टाचार हमने माननीय सीओ सर के निदर्शन में 12 अप्रैल को ला दिए थे। और जब से हमने वहाँ का गलत काम, डॉक्टर संग्राम रंधे का गलत काम जब से हम प्रशासन के सामने लाए, तब से हमारे दो कर्मचारी को उन्होंने बिलावजे तकलीफ दे रहे, एक ही दिन में 6-6 मेमो दे रहे, उसके बाद में पगार कट कर रहे, पूर्व सूचना नहीं दे रहे, और शहर के नामचीन गुंडों के मार्फत हमारे लोगों को धमकी दी जा रही। उसकी ऑडियो क्लिप हमने सीओ साहब की तरफ दी। दौलताबाद यहाँ के ये दोनों कर्मचारी, जो इंगड़े और आनंदबाग जो कर्मचारी हमारे, जब से ये कोविड महामारी शुरू हुई है तब से ये बेचारे काम कर रहे। 12 अप्रैल के पहले इनको सादा मेमो भी नहीं दिया गया था, लेकिन जो गैर प्रकार वहाँ पे खुला करे हमने, वो गैर प्रकार खुला करने की वजह से इनको तो तकलीफ दी जा रही, इसके साथ में ही उन्होंने शहर के नामचीन गुंडों के जरिए हमारे को धमकियाँ दी जा रही। उसकी ऑडियो क्लिप हमने प्रशासन को दिए, उसके बाद में निवेदन भी दिए, लेकिन कुछ भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसके लिए हमने आज यहाँ पे आंदोलन किया है। हमारी मांग ये है खास पहली कि डॉक्टर बामने को जिला बाहर तबादला किया जाए और डॉक्टर रंधे को भी जिला बाहर तबादला किया जाए। और ये जो हमने जो निवेदन दिए, हमने जो तकरार दी है, वो तकरार के हिसाब से जब तक चौकसी नहीं होती तब तक डॉक्टर बामने को जिले के बाहर बदली करा दिया जाए। महिलाओं को त्रास देने का काम चालू है, कहती है लोगों से, बराबर है ये बात? पिंपलवाड़ी प्राथमिक आरोग्य केंद्र में महिलाओं को तकलीफ दी गई, उसकी निवेदन आया हमारे पास में, और उसी के सहारे डॉक्टर रंधे को पिंपलवाड़ी से दौलताबाद डाल दिए थे। लेकिन जब वो दोनों एक मिल गए, वो फिर सब कर्मचारी को तकलीफ दिए जा रही है। दौलताबाद बजट टेस्टिंग कोविड सेंटर के अंदर, अभी ये कोविड महामारी है, कोविड महामारी के अंदर लोगों का रोजगार डूबे हुआ है, लोग भूखे मर रहे। ऐसी हालत में अगर कोई कोविड पेशेंट जाता है और वो होम आइसोलेशन के लिए उनका फैमिली डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके जाता है, तो वो लोग बोलते हैं कि ये तुम्हारा MBBS डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, जो डॉक्टर के पास में हम भेजेंगे उसी डॉक्टर से आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, और वो पर्टिकुलर उस डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट लाने के लिए संबंधित को कुछ नहीं तो कुछ खर्चा आया होगा। अब ये इस चीज़ को पूरे जिम्मेवार डॉक्टर बाम ने ये है। अगर आपकी मांगनी पूरी नहीं होती है तो आगे का क्या आपका कदम? अगर ये मांग कभी हमारी पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन यहीं ख़त्म नहीं होने वाला। ये आंदोलन को हम और उग्र रूप करने वाले हैं, और वक्त पड़ने के बाद में प्रशासन को और ये जब जिम्मेवार अधिकारी को हाईकोर्ट के अंदर खींचेंगे। आपका पूरा नाम और आपकी पोस्ट बताइए क्या है? अनिल यादवराव मगर, आरोग्य सहायक, प्राथमिक तालुका आरोग्य कार्यालय पैठन। आपके साथ कौन कौन है? मेरे साथ में आनंद बाग और राहुल। धन्यवाद।